सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलने वाला है, तो हर बार की तरह वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखो। तो पहले बात करेंगे दीप जांदू और डिवाइन के बारे में। तो इन दोनों का एक कोलैब ट्रैक आया था बॉम्बे टू पंजाब, तो अभी उसका ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ है। तो म्यूजिक वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके देख लेना। तो अगला अपडेट आ रहा है ग्रेविटी की तरफ से। तो ग्रेविटी का एक न्यू ट्रैक आउट हुआ है जिसका नाम है जिंदा लाशे। तो बेसिकली ये एक लिरिकल वीडियो है, और अगर ट्रैक के बारे में बात करूं तो लिरिक्स बहुत ही डीप है। ट्रैक सुन के देखना, शायद तुम लोगों में से भी बहुत लोग ग्रेविटी के शब्दों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो ट्रैक के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके सुन लेना। तो अभी बात करेंगे सुल्तान के बारे में। तो सुल्तान ने अभी एक ट्रैक निकाला है और ट्रैक का नाम है सरकारी फ्रीवर्स। तो फिलहाल हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर ये ट्रैक है। तो ट्रैक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सुन लेना। तो अभी बात करेंगे ईपीआर के बारे में। तो ईपीआर का जो ट्रैक आने वाला था एकला चोलो रे, वो ट्रैक आउट हो गया है। तो ट्रैक अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना है लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके एक बार सुन लेना। और जो सच्चा ईपीआर ने अपने ट्रैक में पोर्ट्रे किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने ये ट्रैक ऑलरेडी सुन लिया है तो कमेंट करना कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा। तो अभी बात करेंगे यास के बारे में। तो अभी हाल ही में गलीबॉय को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ऑस्कर से, और गलीबॉय के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद यास ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाले, तो वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आर्टिकल जो अभी मैंने शेयर किया है इसमें लिखा हुआ है कि गली बॉय को जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो ओरिजिनल नहीं है, राइट? तो एक छोटा सा मैसेज आप सबके, वो मैसेज ये है कि ये जो मूवी बनाई थी बेसिकली ये देसी हिप हॉप का जो रेवोल्यूशन सीन है, हिप हॉप कैसे आया हमारी देसी इंडस्ट्री में, उसके ऊपर बनाई गई है। और उसमें इन्होंने जो स्टोरी दिखाई, जो उन लोगों ने स्क्रिप्ट बताई हुई है, उसमें जिक्र ही नहीं हुआ उस बंदे का जिसने हिप हॉप को ईजाद किया है। ना बोहिमिया का कहीं नाम लिया गया, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। और फिर जो हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं, नो डिसरिस्पेक्ट नो बारी, वो कहते हैं कि उन्होंने शर्ट पे किसी का M&M को देख लिया या पता नहीं किसको सुन के उन लोगों ने रैप करना शुरू किया, और इस तरीके से उन्होंने देसी हिप हॉप को ईजाद किया। ये जो बच्चे हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं वो देसी हिप हॉप सीन में आए हैं कुछ 5-6 साल पहले, और वही मैंने अपनी पहली एल्बम लॉन्च की थी 2002 में, और उससे पहले काम शुरू किया था उसके ऊपर, लॉन्च 2002 में की थी। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी आर्टिस्ट, लेकिन ये जब इस किस्म की बातें करते हैं, अवाम चूतियाँ नहीं हैं, यू नो, जितने भी हिप हॉप के फैंस हैं दे नो व्हाट्स अप। और जब आप इस किस्म की बातें करते हो और इस किस्म के स्क्रिप्टेड काम करते हो तो टू मी यू साउंड लाइक अ चूतिया, क्योंकि आप लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब उस बंदे ने अपनी पहली एल्बम लॉन्च की थी। You know, and that's what you get when you do some fake ass shit. फिर कहंदे राजा पोल खोले, मोरियां च चूहे पांदे रोले। एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, रियल रहो यार। अगर आप आते हो टीवी पे, आप इंटरव्यूज देते हो, अगर आप कोई भी बयान देते हो, आप रियल रहो, हिप हॉप करो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आजकल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कर रहा हूँ। तो अगर आप करते हो हिप हॉप, यू नो, जिन लोगों ने ईजाद किया, जिन लोगों ने, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है, यू नो, अगर आज आपके पास अपॉर्चुनिटी और आप कर रहे हो तो आप रियल रहो, क्योंकि अगर आप रियल रहोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन अगर आप ये फेक चीज़ें बना के, यू नो, ये बनी बनाई चीज़ें बना के डालोगे और आप कहोगे कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, एवरीबॉडी नोज़ व्हाट्स अप मैन, ये वो टाइम नहीं है कि, यू नो, आप कुछ बोलोगे और लोग आंखें बंद करके उसके ऊपर, यू नो, भरोसा कर लेंगे। ऐसे कुछ लोग भी हैं अनफॉर्चुनेटली जो इस तरह करते हैं, लेकिन रियल रहो, अपने आप के साथ रियल रहो, यू नो। जब आप आते हो आप रिस्पेक्ट पे करो उन लोगों को जिन लोगों ने आपको आज मौका दिया कि आप माइक पकड़ के कुछ पैसे कमा रहे हो। तो आप लोगों ने सुना देसी हिप हॉप और गली बॉय के मामले में यास का क्या कहना था। तो आपका इस मैटर में क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। तो अभी बात करेंगे एमिवे बंटाई के बारे में। तो एमिवे बंटाई का इस हफ्ते एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला था जिसका नाम था धुआ धुआ, और आज एमिवे बंटाई ने इस म्यूजिक वीडियो का एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया है, और उसके साथ एमिवे बंटाई ने एक स्टोरी डाला और जहाँ पे एमिवे बंटाई ने लिखा कि धुआ धुआ इस हफ्ते रिलीज नहीं हो रहा है। और बेसिकली हमारे देश में अभी जो हालात चल रहे हैं उसी के चलते एमिवे बंटाई अभी धुआ धुआ रिलीज नहीं कर रहे। लेकिन एमिवे बंटाई ने ये बोला है कि शायद क्रिसमस के मौके पे उनके तरफ से एक प्रेजेंट आए, तो अगर हालात ठीक हो जाए तो शायद एमिवे बंटाई धुआ धुआ को क्रिसमस पे रिलीज करेंगे, और मैं भी ये होप करता हूँ कि बहुत जल्द सब नॉर्मल हो जाए। तो आप अगर एमिवे बंटाई के फैन हो तो थोड़ा वेट कर लो, बहुत ही जल्द एमिवे बंटाई ये ट्रैक रिलीज करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।